सो हाय गाइज, वेलकम बैक। दिस इज अवर महाजन एंड वेलकम टू द वीडियो। सो गाइज, आज बहुत ही अच्छे डे पे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आज है ट्यूसडे, तो जितने भी मेरे भाई और जितने भी उनकी बहने मेरा ब्लॉग देख रही है तो सब जोर से बोलो जय श्री राम। तो आज भाई मजे आने वाले हैं। अभी मैं ऑफिस से जस्ट आया हूँ और मैं रेडी हो चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ जिम। आज शायद मैं आरुष और अमन के साथ वर्कआउट करूंगा। आज है मेरा बैक वर्कआउट, तो हो पाएगा तो मैं सारी एक्सरसाइजेस आपको दिखा दूंगा कि आज मैं बैक में क्या क्या करने वाला हूँ। और साथ ही साथ एक मेरे को स्टोरी आपको बतानी है। मतलब मैं जय श्री राम, मेरे को देखो, मैं इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ कि जिसको बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल नॉलेज है, बट मेरे को जय श्री राम वर्ड से पता नहीं इतनी ज़्यादा पावर क्यों फील होती है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ था। हम हर ट्यूसडे मंदिर जाते हैं, तो जब हम ट्यूसडे मंदिर गए थे, मेरे को याद है पिछली बार मैं, अमन और वरुण थे। तो उसके बाद हुआ क्या था, वहां पर हमने देखा भाई लाइन थी और वो लाइन कम से कम 2 से 3 घंटे की थी। हम सब भाई उसमें हो गए थे कि यार एंट्री करे ना करे, क्योंकि या तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट भाई उस दिन हुआ क्या, हमने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू करे और पता भी नहीं लगा दर्शन कब हो गए, और सबसे अच्छे दर्शन हुए थे। वैसे तो सारे दर्शन अच्छे होते हैं, बट उस दिन पता भी नहीं लगा कि दर्शन हुए कैसे। और मैंने ना काफी बंदों को देखा है कि भाई वो ये कहते थे कि वर्कआउट से पहले जय श्री राम बोला करो। पहले मैं ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करता था, बट जब मैंने करने लगे ना, तो गाइस बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ है ये। तो मैं आप सभी को बोलता हूँ कि जो मेरा भाई बोलता है कि भाई आप हैवी वेट कैसे मारते हो, हमें भी कुछ टिप्स दो, तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि एक बार अपने वर्कआउट से पहले, मतलब जो भी हैवी सेट होता है उससे पहले जय श्री राम बोला करो, और वैसे भी जय श्री राम बोला करो। तो अब देखते हैं क्या सीन है आज का, बने रहो व्लॉग में। तो गाइस, इतने घटिया दोस्त है, मैं क्या बताऊं। अमन के घर पे आ रखा हूं, कह रहे यहाँ से गेट खुल नहीं रहे, यहाँ से खोलो गेट। अब कहाँ से खोलूं गेट, क्या वेजिटा वाला मुंह तो बना नहीं। अच्छा तू लोग नहीं बताएगा गेट नहीं खोल रहे? हाँ, इतना बड़ा हो गया तू? हाँ, उंगली डाल गेट में, खोल दे भाई, खोल दे भाई। वो कैबिन रूम में कैसे ट्रांजिशन होती थी छत। व्हाट्सअप ब्रदर, कुछ चीजें खा रही है। क्या खा रही है? याद आ गई, उसको यार सुबासी लेना था ना। कौन सी? वो वाली। अच्छा चल, कैसे आ गया होता? न्यू डे न्यू वर्ल्ड, कैचिंग किंग न्यू डे। ब्लॉग नहीं भाई, मैंने ब्लॉग सुबह काम दे रहे हो, मेरे को देख के सीख रहा हूँ ना। सही कह रहा, आई गॉट टाइट बैड चार्जर वाले चोरी और चीजें नहीं चला गया। मेरा भाई अभी क्या बोलेगा, भाई देखो प्रोटीन मोमोज वाला आया हूँ मैं। ढाई सौ डाले थे, जुड़े 250 उसने भी शुरू। सारे ब्लॉगर बन गए सारे। हाय, किस भाई किस? हाय आगे है पंजाबी अखबार एनी टाइम। आज आरुष हमारे साथ में बैक वर्कआउट कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। अमन तो शोल्डर मार रहे हैं, किसे मार रहे थे? ये ताती और लैले साहब कर रहे हैं। सभी कहते हैं कि जो तुम्हारा जिम का पार्टनर होता ना, उसको देख के चूज करो। बोला वर्कआउट बहुत तगड़ा करता है, बट ये क्या करता है, इसको जब भी ये फ्री पीता है इसको वॉशरूम जाना ही होता है। अब साला वॉशरूम क्या हुआ है, अब मैं जोन में आ रखा हूँ, क्या बोलूँ यार इसको। हर बारी का ऐसा, हर बारी का। ओए बोले की आदत बता, फ्री पीने के बाद साढ़ा हकता रहता है, घर में मौसम अच्छा नहीं है ना, इसलिए आदत बताइए इसकी। क्या कर रहा है टट्टियां, नीचे कमेंट करो टट्टियां होगी, इसको बोलो नया घर ले ले भाई। चल तो वेरी गुड, यूज सम मोमेंटम ब्रो। चल चल चल, मारते रहे मारते रहे मारते रहे। 6 और 2 3 वो हाँ, पीछे से बना दे। अरे चुप तेरी बहन, जैसे बोल रही है। अरे चुदाई रहे हो चुदाई खान, चल तेरी कट करता मर जाएगा ये, हटे। अच्छा सेट मार रहा, सॉरी। चल चल कम ऑन, एक
हाँ भाई भाव क्या चल रहा है? उसके 20 साल लगे हैं, इसके 5 साल। मेरे पापा ने लगाए। चलो भाई, इतने सारे का फोन सबसे पहले खुलता है। वेरी गुड, अभी पता है। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, क्या आवाज चल रही है? कुछ घड़ी अगर दिख रही होगी आपको तो छोड़ो, हेल्दी में ये मिल सकता है इस टाइम पे। क्या करूँ, ब्राउन ब्रेड है, पनीर है, चीज वगैरह सब है तो सही है, खाते हैं। सब्सक्राइब कर दो। जीत गया इंडिया अपना वे। जीत गया वो, चले इंडिया। क्या लोग चोरी कर रहे हैं? जिम होता है इनका 1 घंटा, बाकी हरकतें होती हैं इनके 10 घंटे। मतलब ले जिंदाबाद। अरे माधव बस आ दिया तूने बैंड के लग चका से दिक्कत आ गया। भाजी आवाज निकाल दो, आवाज माधव ये कर। अच्छा अब करो, अब करो। सुबह से गए थे पानी पर, अब वापसी आ रहे घर की तरफ भैया से। तो भाई मौसम देखो, 1 नंबर हो रहा है मौसम। भैया जी पीछे था ना, बारिश ऐसे आ रही थी। बिल्कुल, कैसे आ रही थी? बहुत अच्छी आ रही थी। और अब बताओ कैसे आ रही है? अब बिल्कुल साफ हुआ, साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। तो ना तो बारिश भाई और ना आंधी। हाँ, तो इसी से पता लगता है कि उसका प्यार भी मेरे लिए ऐसे ही था। पहले एक बारी में इतना उसने प्यार दिखाया और बाद में दिखाया नहीं। ये देखो नहीं कुछ। तो भाई अभी जस्ट मैं घर एंटर करूँ और टाइम देखो, अगर ऐसे दिख रहा होगा आपको, टाइम हो रहा है 12:20 और मतलब उल्टा है यार, फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ वीडियो। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट अभी मैं घर आया हूँ जिम से, और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये देखो, पहले मैं सुबह ऑफिस गया, ठीक है, उसके बाद मैं 9 बजे घर आया, फिर मैं अभी जिम गया, फिर मैं अब जिम से घर आया, तब अब मेरे को वो यूट्यूब की होने वाली वीडियो शूट करनी है। तो बेसिक मोटिव मेरा ये कहने का कि भाइयों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा दे रहा हूँ, तो प्लीज़ यार जितना हो पाए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक और चीज़ मेरे को बोलनी है कि भाई दिल से आप सभी को थैंक यू, मेरी जो पिछली वीडियो है उस पर मेरे 50K+ व्यूज़ हो गए। तो भाई मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को, बट कोई नहीं, और अच्छी और अपने आप को इम्प्रूव करना है और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो बस ये कहना है, अब स्टार्ट करते हैं YouTube Q&A वाली वीडियो, स्टार्ट करते हैं आज का Q&A। और जितने भी क्वेश्चंस थे, ये मैंने मम्मा का फ़ोन है इसमें सारे क्वेश्चंस डाल दिए, तो एक एक क्वेश्चंस आते रहेंगे, मैं उन सभी का आंसर देता रहूँगा। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जितने क्वेश्चंस हम सबको कवर कर लूँ। मैंने बोला था कि एनी 5, बट कोई नहीं, अब मन कर गया पहली बार Q&A कर रहा हूँ तो अच्छे से करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस लोगों को खोल ले तो भाई फ़ोन पहले। पहला क्वेश्चन है कि ब्रो यू आर वेरी इनोसेंट। तो भाई इसका मैं आंसर दूंगा कि देखो, आज की डेट में शरीफ कोई भी नहीं होता, सबको पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस बात ये होती है कि मैं इनोसेंट इसलिए लगता हूँ क्योंकि भाई मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ना, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की है। मैं एक्सट्रोवर्ट कभी लाइफ में था ही नहीं, और मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ बनने की, बोलने की, बट मैं अंदर से जो हूँ वो मैं हूँ, तो शायद इसलिए आपको शरीफ दिखता हूँ। बट ठीक है, सब पता है दुनियादारी का, ऐसा कोई सीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रो व्हाट इज़ योर हाइट वेट एंड एज। तो भाई जो मेरी हाइट है वो है 5'8" या 5'9", और जो मेरा वेट है वो करेंटली आएगा 72 था, मैंने पिछले हफ्ते देखा था, अब मेरे को याद नहीं कितना होगा। और जो मेरी एज है वो है 23, और मैं 24 का होने वाला हूँ कुछ महीनों बाद। भाई कैचिंग कैसे करें, आप कैचिंग पे एक वीडियो बनाओ। तो भाई एक मेरे को एक आपको चीज़ बतानी थी कि अगर मैंने
कोई Q&A डाला, ठीक है। तो अगर जैसे मेरे को 100 क्वेश्चंस के आंसर्स आए, मतलब 100 क्वेश्चंस आए मेरे पास, तो 100 में से 90 क्वेश्चंस तो ये थे कि भाई कैचिंग कैसे करते हो, कैचिंग की टिप्स दो या कैचिंग पे वीडियो बनाओ। तो भाई इस पे एक मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, बट फिर भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी पिछले वाले ब्लॉग में बताई थी कि कैचिंग का इंसिडेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अगर आपको वहाँ से कुछ जानना है तो वहाँ से देख लो। बाकी जो मेरी अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो भाई उसमें शायद एक लड़की के साथ मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं सब बताऊंगा कि कैचिंग कैसे करें, क्या कैसे ना करें। ब्रो प्लीज टेल अस दैट व्हाट यू डू। सो हाँ, सो बेसिकली मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं, तो भाई मैं करेंटली काम कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ICICI बैंक में। तो मैं बेसिकली बैंकर हूँ, तो और क्या बताऊँ, बस बैंकर हूँ, बट हाँ बोरिंग वाला नहीं, ठीक है। बट ठीक है, बता देता हूँ। अब मेरे से एक और क्वेश्चन आ रखा है उसके नेक्स्ट में, कि स्कूलिंग कहाँ से करी। सो भाई क्या होता है, सो गाइज बेसिकली मैंने जो स्कूलिंग करी थी वो मैंने करी थी फेथ अकेडमी स्कूल से, ईस्ट पटेल नगर में है, प्रसाद नगर में पढ़ता है। उसके बाद मैंने 10th वहाँ तक करी थी, फिर मैंने 12th करी थी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, वो करोलबाग में है। उसके बाद जो बीबीए थी वो मैंने करी थी एशियन स्कूल ऑफ बिजनेस, वो मेरा नोएडा में था। और उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स मतलब MBA जो मैंने मार्केटिंग में करी थी वो मैंने करी थी IBS गुड़गांव से। उसके बाद मेरी सीधा लगी थी एक NBFC में नौकरी, मतलब सीधा मेरी वो कैंपस प्लेसमेंट थी, फिर वो मैंने छोड़ के मैंने अब ज्वाइन करा है ICICI बैंक। तो वहाँ पर मैं अब करेंटली काम कर रहा हूँ, और जो मेरी ICICI बैंक है, हाँ। और काफ़ी बंदे बोल रहे थे कि भाई हिसार कब आओगे, हिसार कब आओगे, तो भाई वो जो हिसार लोकेशन थी ना वहाँ मेरे को पहले शिफ्ट कर रहे थे, तो मैंने बात करके नेगोशिएट करके अपनी लोकेशन चेंज करा दी। तो अब लोकेशन ही बताऊँगा वरना तुम लोग मिलने आ दोगे। भाई टेल अस कि आप कितने साल से जिम कर रहे हो और अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हो। तो भाई मेरे को जिम करते हुए लगभग 5 से 6 साल हो गए, और मैंने मेंटेन ऐसे रखा हुआ है कि भाई ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सालों साल रिप्ड रहता हूँ, बट हाँ मुझे इतना पता है कि भाई मैं लीन लगता हूँ, मैं कभी भी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं हुआ जब से मैं जिम कर रहा हूँ। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई मैंने थोड़ी बहुत डाइट मेंटेन कर रखी है, और मैं डेली वर्कआउट करता ही करता हूँ, एक दिन का रेस्ट लेता हूँ, चाहे मैं थका हूँ, चाहे मैं मर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो रहा हो, मैं जिम जाऊँगा ही जाऊँगा। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि बी कंसिस्टेंट, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, आपके पास टाइम नहीं हो बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूँ 10 से 15 मिनट जिम करो, या जिम नहीं भी करना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी रख लो जिससे तुम अपने आप को एक्टिव रखो थोड़ा बहुत, तो ठीक है। तुम कभी लाइफ में, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि तुम्हारा माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और तुम अपने आप को ज़्यादा ये फील नहीं होगा कि तुम मोटे हो रहे हो या कुछ हो रहा है। भाई प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन ब्रेकअप स्टोरी। तो भाई इस पे मैं मतलब आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देखो ब्रेकअप स्टोरी मैं बनाने को अभी बना दूँ, मुझे आपने अब देख लो तीसरी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। मैं पहली बात तो भाई कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि भाई जो वो ब्रेकअप हुआ था ना वो उसके और मेरे बीच में हुआ था, तो मैं कौन होता हूँ भाई कि मैं हमारी स्टोरी पूरी पब्लिक में अनाउंस कर दूँ। मेरा दिल नहीं मानेगा भाई, चाहे उसने मेरे साथ गलत किया, चाहे उसने मेरे साथ गलत नहीं किया, वो हम दोनों के बीच की चीज़ थी, बट मैं कभी ऐसे वीडियो नहीं बना सकता गाइस। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, कि एक व्यूज़ के लिए मैं क्यों किसी की बेटी का नाम खराब करूँ या कुछ करूँ। तो ठीक है, जो ब्रेकअप हुआ सो हुआ, हमारे बीच में था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं भी थी, तो गाइस छोड़ो उस बात को। देखो अब मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, या मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ कि मेरी लाइफ में कभी ब्रेकअप हो गया तो ये क्या हो गया, ठीक है। मैं मानता हूँ आप लोग मेरे को भाई समझते हो या कुछ भी समझते हो, तो आप जानना चाहते हो, तो भाई देखो ब्रेकअप हुआ था, और वो सबकी पार्ट, सबकी लाइफ का पार्ट होता है। आपकी भी लाइफ में कोई आई होगी, आपके आपका भी ब्रेकअप हुआ होगा, चाहे उसने आपका गलत किया होगा, चाहे आपने उसका गलत किया होगा, वो आप दोनों को पता होगा। तो ठीक है भाई, अब एक चीज़ हमेशा याद रखो, कभी भी ना इंसान की बुरी चीज़ें याद मत रखो, ठीक है। तुम्हें रखनी है वो तुम्हारे अपनी खुद की थिंकिंग है। मैं क्या रखता हूँ भाई, मैं दोनों चीज़ें रखता हूँ। मुझे इतना पता है कि भाई अगर वो ब्रेकअप करके मेरे से उसने अलग कर लिया ना, वो मेरे साथ एक टाइम पे थी साथ, जब कोई साथ नहीं खड़ा हुआ था, तो मुझे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बट हाँ भाई, मेरे को 1.5 से 2 साल हो गया, मैं 1.5 से 2 साल से सिंगल हूँ। मेरे से कोई अभी क्वेश्चन था जिसमें पूछा हुआ था कि भाई आप यू आर सिंगल और कमिटेड, तो यस आई एम सिंगल फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, आई एम नॉट डेटिंग एनीवन। तभी कह रहा हूँ भाइयों, मैं ट्राई करूँगा कि मैं जो भी नया कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने साइड से, जिसमें मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं वो ट्राई कर सकता हूँ, बट मैं भाई कभी ब्रेकअप स्टोरी नहीं बना सकता, ठीक है। मेरी लाइफ में भी आया था ये फेज, और चला गया ये फेज। अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अपने आप पर ध्यान दे रहा हूँ, अपने मम्मा पापा का ध्यान दे रहा हूँ,
तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कुछ करना चाहिए लाइफ में अभी फिलहाल. ठीक है, जो लाइफ में पार्टनर लिखा होगा वो एक एज के हिसाब से सबको मिलेगा ही, तो ऐसा कोई सीन नहीं है. बाकी ठीक है, तुम सब भाई हो, मैं तुम सबको यही गाइड करूँगा कि देखो भाई इंसान अच्छे होते हैं, वक्त बुरा होता है, बस ये याद रखना. था तो Q&A पर मैं, ठीक है भाई, मैं पहली बार कैमरे के आगे खुल रहा हूँ, मन कर रहा है शेयर करने का, मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं किया था, तो इसी वे में शेयर समझ लो मैंने कर लिया शेयर आपसे बात. तो ज़्यादा सेंटी नहीं होते, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. भाई तुम्हें कौन इंस्पायर करता है? भाई इसका तो एक सिंपल आंसर मैं दूंगा, मम्मा पापा. अब आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. सपोज करो आपको ना जूते रखने का बहुत ज़्यादा शौक है, आप रोज हर हफ्ते नए जूते ले रहे हो, कुछ ले रहे हो. एक बार ना आप अपने देखना कि आपके शू कलेक्शन कितनी है, और एक बार अपने पापा की देखना. जो समझदार होगा मेरे एग्जांपल से समझ गया होगा. भाई माँ बाप एक ऐसी चीज़ है ना, वो मेरे को इंस्पायर इसलिए करते हैं भाई, उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हम बच्चे खुश रहे, वो अपनी सारी खुशियाँ दे देते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि भाई हम अपनी लाइफ में कैसे इंजॉय करेंगे, हम कैसे ये करेंगे, हम कैसे वो करेंगे. तो भाई माँ बाप से बढ़ के मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा है जो हमें इंस्पायर कर सकता है. और दूसरी इंस्पिरेशन जो मेरे को मिलती है वो मेरे को मिलती है खुद से, यही है इंस्पिरेशन का रीज़न. भाई लाइफ में अगर मैं सुबह उठता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मेरे पापा घर से जा रहे होते हैं, वो फिर आते हैं रात में, फिर देखते हो फिर अगले दिन जा रहे होते हैं, फिर आ रहे होते हैं रात में, छुट्टी नहीं लेते, सिर्फ देखते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहे. भाई इससे ज़्यादा तुम्हें क्या इंस्पायर करेगा लाइफ में? और अगर तुम्हें, अगर तुम्हारे मम्मी पापा इंस्पायर नहीं कर रहे ना, तो उनको एक बार देखो, उनकी मेहनत में एक बार घुस के देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ भाई वो कितनी मेहनत कर रहे हैं. तो ये आंसर है इंस्पिरेशन का. यार सारे सेंटी क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं मेरे पास आज? मैं सारा सेंटी होने ला रहा हूँ. वट इज़ योर करेंट वर्कआउट स्प्लिट? तो भाई मेरी जो करेंट वर्कआउट स्प्लिट है वो ये है कि अभी मैं पीछे पुश पुल फॉलो कर रहा था, बट अभी मैं कर नहीं पा रहा पुश पुल को. तो मेरे को ये है कि जो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा मसल रिकवर्ड है, तो मैं उसको ट्रेन कर देता हूँ. और रेप्स और सेट वगैरह मैंने नहीं लिखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब मैं जोन में आता हूँ, जितना मेरा मन करता है मैं उतना फेलियर तक पुश करता हूँ, तो मेरा नहीं लिखा अभी तक. भाई एक ऐसे, हाँ भाई एक मीटअप रख लो. भाई मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं नॉर्मल इंसान ही हूँ आपकी तरह. मीटअप क्या भाई, मेरे को ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर दो. कई बार मैं मैसेज का रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाता कि मैं बिजी बहुत रहता हूँ पूरा दिन. मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी हालत टाइट रहती है, तो मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाता. कभी भी मैं रिप्लाई करता हूँ जब आप बोलोगे, मैं तब आपसे मिलने को रेडी हूँ. हाँ, तब जब मैं फ्री हूँ, एक बार हम बात कर लेंगे, टाइम वगैरह डिसाइड कर लेंगे, तो आपको जब मिलना हो मेरे से मिल लेना. मीटअप क्या रखना यार. ब्रो यू ईट सो मच बाहर का, तब भी आप लीन रहते हो, ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसलिए क्योंकि भाई मेरे को 5 से 6 साल हो गए जिम करते हुए, और बॉडी में मतलब ये मान लो कि मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई है, तो मैं अगर एक भी चीट मील कर लेता तो मेरे को इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता. तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, पहले भाई थोड़ा अपना मेटाबॉलिज्म वगैरह, पहले अपनी थोड़ी बॉडी पे वर्क करो, 1-2 साल दो जिम में. उसके बाद जब तुम्हारी बॉडी थोड़ी यूज्ड हो जाएगी ना, तब थोड़ा बहुत चीट वगैरह ऐड कर लो, तो इतना ज़्यादा फैट नहीं चढ़ेगा बॉडी पे. भाई दिल्ली गैंग के साथ एक वीडियो बनाओ. भाई अभी ये जो व्लॉग ही आ रहा है, Q&A वाला है, दिल्ली गैंग के साथ एक वीडियो है इसलिए मैंने बनाई है, तो अब देखो. यू आर डूइंग गुड बडी, ऐसी ही ग्रो करते रहो, और फुल सपोर्ट है आपको. अरे भाई थैंक यू सो मच, लव यू आपको दिल से. और भाई मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मतलब मैं ना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहा हूँ. मुझे ऐसा फील हो रहा था, मतलब वैसे सब करते हैं, बट मुझे अपने बिहाफ पे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एफर्ट पुट कर रहा हूँ, और ट्राई करूँगा कि अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूँ. तो ठीक है, आर यू वर्जन? मत पूछो मेरे भाइयों ऐसे क्वेश्चन, मत पूछो यार, माँ बाप रहते साथ में, मर जाओगे तुम सालों. वैसे तो पता ही है सबको आंसर यार. हाउ मच कैलोरीज डू यू ईट इन अ डे? तो भाई इस चीज़ का मैं तुम्हें एक सिंपल सा आंसर देता हूँ. पहले ये देख लो कि तुम्हारा गोल क्या है. तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है, तुम्हें कम्पीट करना है, तो भाई समझ आता है कि तुम्हें कैलोरीज वगैरह कैलकुलेट करनी है. भाई मैंने आज तक 5 साल में ज़िंदगी में कैलोरीज कैलकुलेट तक नहीं करी होगी, ना मैंने आज तक कोई वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करी होगी, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डिसेंट फिजीक है. मुझे भाई मुझे
क्या कर रहे हैं कैलरीज वगैरह कैलकुलेट करके। भैया हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, पहले हम कॉलेज जाते थे, उसके बाद जिम करते थे, सो जाते थे। भाई पूरे दिन में भागदौड़ इतनी होती है, तुम कहाँ कैलरीज कहाँ कितने खाने लेके साथ में चले आओगे। एक दो मील लेके समझ आता है, पर नाप के खाना वो समझ नहीं आता ना। तो एक लाइफस्टाइल है, उसको लाइफस्टाइल की तरह रखो यार। कॉम्प्लिकेट करोगे तो जिंदगी में बॉडी नहीं बनेगी, ये बात हमेशा रखना। ब्रो एक वो व्लॉग बनाओ, ब्रो एक व्लॉग बनाओ जिसमें आप पूरे दिन क्या करते हो। तो हाँ गाइज मेरे भी ये बात हुई थी, मतलब बात क्या भी, मैंने आप लोग से सजेशन लिया था। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग जो होगा मैं यही बनाऊंगा। बाकी तो भाई जिम विम के है। और एक ये क्वेश्चन है कि भाई स्किन केयर रूटीन बताओ। भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, जब ये था कि बहुत ज्यादा मैं धूप में घूम लेता हूँ, कुछ होता है ना, तो तब बताओ मैं क्या करता हूँ। तब नॉर्मल मैं करता हूँ, कॉफी लेता हूँ, कॉफी लगाता हूँ एज अ फेस स्क्रब टाइप लगाता हूँ, 20 मिनट लगा के रखता हूँ और उसको धो देता हूँ। बस ये है मेरा स्किन केयर रूटीन। मैंने आज तक मॉइस्चराइजर वगैरह क्रीम वगैरह मैंने यूज ही नहीं करी, बहुत रेयर स्टार्टिंग में करता था, और मेरी स्किन भी ड्राई इतनी नहीं रहती भाई। तो इसका एक आंसर ये है कि पहली बात तो जेनेटिकली आई गेस मैं ब्लेस्ड हूँ। फोकस करो डाइट और तुम्हारा वर्कआउट वगैरह अच्छा हो तो स्किन अच्छी रहती है। तो भाई यही थे, मतलब है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन, सबके आंसर क्या दूँ। तो अगर आपको Q&A थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा या थोड़ा सेंटी लगा होगा तो मेरे को कमेंट से ज़रूर बताना। और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो मेरी ID इंस्टाग्राम की मेंशन है, वहाँ जाके मेरे को इंस्टा पे ही फॉलो कर दो। और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए नहीं चाहिए मुझे ज़रूर बता देना। बाकी गाइज थैंक यू सो मच, दिल से आप सभी को लव यू, प्यार बहुत दिखाया आपने। पिछली वीडियो में मेरे 50K प्लस हो गए, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई मैं इतने ज़्यादा व्यूज लेके जाऊँगा, बट कोई नहीं, दिल से लव यू आप सबको। बाकी यही थे मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो यू नो द ड्रिल आपको क्या करना है। बाकी बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप योर फैमिली हैप्पी। बाय बाय।